हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो? वेलकम टू मैथ्स ब्रिक। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये स्टार्ट किया था असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड सीक्वेंसिंग। इसमें से असाइनमेंट प्रॉब्लम हमने कंप्लीट किया था, दैट इज एक्सरसाइज 7.1। तो अब हम स्टार्ट करने वाले सीक्वेंसिंग। तो सीक्वेंसिंग क्या होता है? सिंपल, सीक्वेंसिंग मतलब क्या करना है आपको, किसी जॉब के आपको सीक्वेंस लगाने हैं। मतलब इसके बाद ये जॉब होगा, इसके बाद ये जॉब होगा, मतलब काम के सीक्वेंस लगाने। समझो, इसको आराम से समझो कि समझो एक कंपनी में आप काम कर रहे हो, समझो वहाँ पे आप मैनेजर हो, ओके। और उस कंपनी में ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, 4 और 5, ऐसे 5 प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। आपको ये डिसाइड करना है कि इसमें से कौन सा प्रोडक्ट फर्स्ट बनना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट सेकंड बनना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट फिफ्थ बनना चाहिए, ऐसे नंबर सिक्वेंसली अरेंज करना है। बट ये कैसे भी अरेंज नहीं करना है, इसमें आपको ये दिमाग लगाना है कि ये पूरा प्रोसेस, मतलब प्रोडक्ट बनाने का पूरा प्रोसेस कम से कम टाइम में हो, मतलब कंपनी को उसमें प्रॉफिट हो जाए, कम से कम टाइम में हो जाएगा तो कंपनी के लिए अच्छा है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ये होती है कि समझो एक ये जो प्रोडक्ट 1 है, ये कटिंग और स्विंग में से जाता है, कटिंग और स्विंग में से जाता है, क्लियर। प्रोडक्ट 1 के लिए कटिंग प्रोसेस 4 आवर्स की होती है, समझो 2 के लिए 3 आवर्स के लिए होती है, या 5 आवर्स के लिए, 6 और 7, ऐसे कुछ लिख के देते हैं, बाकी के भी कुछ नंबर लिखते हैं। समझो यहाँ पे 1, ये 3, ये 4 और ये फिर से ये 7 और ये 8, ठीक है। यहाँ पे क्या मैं कह रहा हूँ कि अगर समझो प्रोडक्ट 2 है, उसको कटिंग के लिए 3 आवर्स लगते हैं, ओके, स्विंग के लिए कितने, इसको भी 3 आवर्स लगते हैं, क्लियर। तो आपको इसको ऐसे प्लान करना है कि ये पूरे कटिंग और स्विंग एक साथ हो जाए बट टाइम कम लगे, ओके। समझो फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड किया कि हाँ बाबा मैं प्रोडक्ट 3 से स्टार्ट करने वाला, ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते, उसको एक सीक्वेंस होता है, वो बाद में सिखाऊंगा, पर समझो आपने 3 से स्टार्ट करना है, ओके। तो आप क्या करोगे, इस प्रोडक्ट को उठाओगे, इस प्रोडक्ट को उठाओगे और कटिंग मशीन में डालोगे, कटिंग मशीन में, ओके। तो कटिंग मशीन क्या करेगी, इस प्रोडक्ट को पूरा प्रोसेस करने में 5 आवर्स लगेगी, ठीक है। और तब तक स्विंग मशीन क्या करेगी, स्विंग मशीन ऐसे ही बैठे रहेगी, मतलब वो बोलेगी अरे जब तक इसका काम नहीं होता तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। ये बोलेगी जब तक इसका काम नहीं होता तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती, तो ऐसे ही बैठे रहेंगे। ऐसे ही बैठे रहने को क्या कहते हैं हम, आइडल, आइडल बैठे रहे, ठीक है। तो इसके बाद इसका काम खत्म होने के बाद ये स्विंग मशीन काम अपना स्टार्ट करेगी, वो 4 आवर्स में खत्म करेगी। बट यहाँ पे इसका क्या नुकसान हुआ, ये पहले 5 आवर्स तक ऐसे ही बैठी रही, तो इसका टोटल टाइम कितना हुआ, 9। ये समझा, स्विंग मशीन का टोटल टाइम कितना हुआ, 9, ओके। तो ये आइडल टाइम कितना बैठी, 5 आवर्स तक, इसे कहते हैं आइडल टाइम, क्लियर, समझ में। सेम और एक एग्जांपल लेते, कौन सा भी एक प्रोडक्ट उठाते, समझो ये 3, ओके, और इसको भी 3, पर इस ये 3 आवर्स तक ऐसे ही बैठी रहेगी और ये 3 ऐड हो जाएंगे तो टोटल टाइम 6 हो जाएगा और इसका आइडल टाइम ये 3। जब तक कटिंग खत्म नहीं होती है ये काम अपना स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख के, दिमाग में रख के आपको ये पूरा प्रोसेस करना है। ईजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, आराम से सॉल्व करते हैं, बहुत सारे बच्चे आराम से सॉल्व करते हैं। ये चैप्टर ही इतना ईजी है कि इसके मार्क्स सबको मिलते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको एक आना चाहिए कि सिक्वेंस अच्छे से बना, अगर सिक्वेंस आपने अच्छे से बनाया तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 7.2 में से क्वेश्चन नंबर 1 उठाते हैं, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है और ज़रूरत भी नहीं, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो टाइम दिया है, ओके, ये आवर्स में या मिनट में, इतना पता चल गया इनफ है। तो क्वेश्चन पढ़ोगे तो पता चलेगा ये मिनट्स दिए, मतलब 3 मिनट्स, 12 मिनट्स, 5 मिनट्स, ऐसे सब मिनट्स दिए, ठीक है। देखो यहाँ पे दो प्रोसेस हो रहे हैं, एक टर्निंग, दूसरा थ्रेडिंग, और काम कितने, जॉब कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जॉब है। तो आपको इसको सीक्वेंस करना है, सीक्वेंस मतलब पहला कौन सा जॉब होगा, दूसरा कौन सा जॉब होगा, वो सीक्वेंस करना है, और उसके बाद टोटल टाइम्स निकालना है यहाँ पे, मतलब वो पूरा प्रोसेस करने के लिए कम से कम कितना टाइम लगता है, और आइडियल टाइम भी निकालना है। आइडियल टाइम मतलब कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, टर्निंग में कितना आइडियल टाइम जा रहा है और थ्रेडिंग में कितना आइडियल टाइम जा रहा है, ठीक है, वो निकालना है। अब पहले सीक्वेंस से निकालते हैं, पहले ऑप्टिमल सीक्वेंस निकालेंगे। तो ऑप्टिमल सीक्वेंस के लिए क्या करोगे, देखो क्या करो, इस पूरे टाइम में से सबसे छोटा टाइम कहाँ पे दिख रहा है वो ढूंढो, ओके। मुझे ये 1 दिख रहा है, ओके। अगर 1 सबसे छोटा टाइम सेकेंड मशीन में से आ रहा है तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, ओके। अगर वो फर्स्ट मशीन में से आ रहा है तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, ठीक है। मतलब सेकेंड मशीन में से आ रहा है तो यहाँ पे सब जॉब लिखते जाओगे और फर्स्ट मशीन में से
यहाँ से लिखते जाओगे, पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो वन सबसे छोटा है, किसमें से आ रहा है, सेकंड मशीन में से ना, टाइम फॉर थ्रेडिंग इसमें से आ रहा है, तो ये वन के ऊपर जो जॉब है सिक्स मैं यहाँ पे लिख दूंगा, समझा भी? ठीक है, वन मतलब ये पूरा कट गया, अब इसकी जरूरत नहीं है, ये पूरा कैंसिल, इसको अब यूज नहीं करना है। उसके बाद वन के बाद सबसे छोटा नंबर मुझे लग रहा है ये टू, ओके ये तो कट गया, अब सिर्फ इसमें देखना है टू, ओके अब ये टू किस में आ रहा है, टाइम फॉर थ्रेडिंग फर्स्ट में से आ रहा है, तो टू का जॉब कौन सा है, फोर, मैं इस तरफ लिखूंगा फोर, समझा? अब ये इस तरफ क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट मशीन में से आ रहा है और फोर्थ जॉब मैंने लिख दिया, क्लियर? अब ये भी कट गया, ये कैंसिल। टू के बाद सबसे छोटा नंबर कौन सा आ रहा है, ये थ्री, थ्री दो है देखो थ्री, तो कौन सा भी उठाओ चलेगा, आंसर करेक्ट ही आता है। चलो मैं इसको उठाता हूँ, ओके इसको उठाया, ये किस में से, फर्स्ट में से, मतलब इस साइड से लिखूंगा, और कौन सा जॉब है वो, वन जॉब, तो वन जॉब, ये समझा? ठीक है, तो ये भी कैंसिल। इसके बाद सबसे छोटा नंबर ये वाला थ्री है, ठीक है, ये किस में, सेकेंड, मतलब इस तरफ से लिखोगे, और कौन सा जॉब आ रहा है, फिफ्थ जॉब, मैं फिफ्थ जॉब को यहाँ पे लिखूंगा, ये भी कट। अब सिर्फ बचे दो, इन दोनों में सबसे छोटा नंबर कहाँ पे आ रहा है, ये फाइव, फाइव किस में आ रहा है, टर्निंग में से, मतलब उस साइड से लिखोगे, और कौन सा जॉब है, थ्री, थ्री लिख दिया, ओके ये भी कट गया। अब कौन सा जॉब बचा, सिर्फ टू वाला, तो टू लिख दिया, ये बन गया मेरा सीक्वेंस, मतलब मैं फोर्थ जॉब फर्स्ट करूंगा, उसके बाद वन, उसके बाद थर्ड, उसके बाद टू, उसके बाद फाइव, और इसके बाद सिक्स, ये बन गया मेरा सीक्वेंस, समझा? ठीक है, तो अब हम निकालेंगे कि इस पूरे प्रोसेस में, इस सीक्वेंस से पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको ऐसा एक टेबल बनाना पड़ेगा, यहाँ पे जॉब लिखो, ये टाइम फॉर टर्निंग लिखो, और टाइम फॉर थ्रेडिंग, ऐसे कॉलम बना, और इसमें इन आउट ऐसे दो सेक्शन बना, क्लियर? इनका मतलब वो कम, वो जो काम है वो मशीन, टर्निंग मशीन में कब जा रहा है और कब बाहर आ रहा है, कितने टाइम के बाद। ठीक है, अब इसमें जॉब में ये सीक्वेंस पहले लिख दो, 4 1 3 2 5, ओके 4 1 3 2 5 6 लिख दिया, ओके अब इन आउट करेंगे फटाफट। देखो सिर्फ थ्रेडिंग, सॉरी टर्निंग के बारे में सोचो, इस टर्निंग के बारे में, ठीक है, पहला जॉब कौन सा करना है, फोर, तो टर्निंग में फोर्थ जॉब ढूंढो, ये सब रफ कर देता हूँ, टर्निंग में फोर्थ जॉब, सिर्फ टर्निंग है, टर्निंग में फोर्थ जॉब, ये कितना टाइम लग रहा है, 2 मिनट। ठीक है, तो देखो टर्निंग मशीन जब स्टार्ट होती है तब टाइम होता है जीरो, मतलब जीरो टाइम पे वो इन करेगा, और ये 2 मिनट पे वो बाहर पड़ेगा, समझ में आया? और इसको लिखते समय ऐसे लिखना, ये जीरो प्लस ये टू टोटल मिला के ये टू, ये बता दो क्यों, ये समझा? मतलब ये टू खत्म हुआ टर्निंग के लिए। उसके बाद कौन सा जॉब है, वन, तो टर्निंग में वन देखो, ये थ्री है, ठीक है, अब क्या करो, देखो यहाँ पे सोचो थोड़ा सा, टर्निंग मशीन ने क्या किया, पहले ये जॉब कंप्लीट किया फोर, 2 मिनट लगे उसके बाद, अब वो 2 मिनट पे स्टार्ट करेगा, इन कब होगा, 2 मिनट पे, कौन सा जॉब, वन जॉब, ओके देखो 2 मिनट पे वो इन होगा, ओके इस टू में वन वाला जॉब है ना, वन, सो वन में कितना मिनट लग रहा है, तीन, सो टू प्लस थ्री कितना आएगा, ये फाइव, समझ में आया? अब ये थोड़ा सा समझाता हूँ, ये डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा ऊपर से जा रहा होगा पर डिफिकल्ट नहीं है। देखो मशीन, टर्निंग मशीन ने पहला जॉब जो कंप्लीट किया उसके लिए 2 मिनट लगे, ओके उसके बाद ये दूसरा जॉब, मतलब जॉब वन जो कंप्लीट किया उसके लिए 3 मिनट लगे, पहले 2 मिनट, उसके बाद 3 मिनट, टोटल कितने मिनट हुए, 5। तो मैं यही बता रहा हूँ कि यहाँ पे अभी तक 5 मिनट खत्म हुए। ठीक है, तो आपको अब ऐसे सोचना नहीं है, सिर्फ दिमाग क्या लगाना है, इसको ऐसे कंटिन्यू करते जाना है, ओके अब मैं किसको कंटिन्यू करूंगा, मैं इसको 5 को कंटिन्यू करूंगा, ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा 5 प्लस, थर्ड में जाऊंगा, थर्ड में कितना आ रहा है, ये 5, सो 5 प्लस 5 कितना हुआ, 10, अब मैं 10 को कंटिन्यू करूंगा, ठीक है, और लिखूंगा 10 प्लस, सेकेंड जॉब में जाओ कितना आ रहा है, ये 12, सो 10 प्लस 12 कितना आएगा, 22 ना, 22, ओके इस 22 को कंटिन्यू करो, ओके और यहाँ पे लिखो 22 प्लस, फिफ्थ जॉब, फिफ्थ जॉब कितना आया, 9, सो 22 प्लस 9 कितना आता है, ये 31, अभी मैं 31 को कंटिन्यू करूँगा, 31 प्लस 6 जॉब में जाओ, 11 आया, सो 11, सो ये 42 मिनट लगे पूरे टर्निंग के लिए। ठीक है, अब मैं थ्रेडिंग के बारे में सोचूंगा, थ्रेडिंग में इन टाइम क्या होगा बोलो, इन टाइम होगा इसमें 2, क्यों 2 होगा, क्योंकि जब ये टर्निंग मशीन अपना काम खत्म करेगी तब ये थ्रेडिंग स्टार्ट होगा, समझ में आया?
तो इसमें टू ये कंटिन्यू होगा, क्लियर। अब इस टू में प्लस होगा, कौन प्लस होगा, ये फोर जॉ। अब सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में सोचो, फोर जॉ कितना आ रहा है, 6 मिनट। सो ये 2 + 6 कितना बन गया, 8। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, इसने काम अपना 8 मिनट पे खत्म किया है, इसने 5 मिनट पे यहाँ पे खत्म किया है, कौन सा, वन जॉ। तो ये अपना 8 मिनट पे ही काम स्टार्ट करेगी, और इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल बेसिक बताता हूँ, इन दोनों में से, ट्रेडमार्क कर देता हूँ, देखो इन दोनों में से जो भी बड़ा नंबर होगा, ओके, वो यहाँ पे नीचे लिखना है, क्लियर। अब इन दोनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है, 8, 8 लिख दिया, और 8 + कौन सा जॉब है, वन, वन में जॉब कितना आ रहा है, 8। सो 8 + 8 कितना आएगा, ये 16। इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 16, 16 लिख दिया, और ये 16 + कौन सा जॉब है, 3। तो 3 जॉब में कितना नंबर आ रहा है, 9। सो 16 + 9 कितना आता है, ये 16 + 9 25, ओके। 25 को ही कंटिन्यू करेंगे ना, इन दोनों में कौन सा बड़ा नंबर है, 25 25। सो 25 + कौन से जॉब में, सेकेंड, सेकेंड जॉब में 10। सो 10 ऐड कर दिया, कितना आएगा ये, 35। इन दोनों में फिर से 35 ही आ रहा है, 35। सो 35 + कौन से जॉब में, फिफ्थ जॉब में, फिफ्थ जॉब में कितना आ रहा है, 3। सो 35 + 3 कितना आएगा, 38। अब देखो, अब देखो, ये कंटिन्यू नहीं होगा, 38 और 42 में कौन बड़ा है, 42। तो 42 को लिखूंगा, और यहाँ पे 42 + कौन सा जॉब है, 6। 6 में कितना आ रहा है, 1 ना, तो 1, तो ये बन गया 43, ठीक है। और ये 43 जो आएगा, इसको आप बॉक्स करोगे पेंसिल से। ये बॉक्स क्यों करना है, क्योंकि यही बताता है कि इस पूरे प्रोसेस के लिए कितना टाइम लगा, ओके। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, देयरफॉर टोटल इलेप्स टाइम टाइम इज इक्वल टू 43 मिनट, समझाइए, 43 मिनट। अब मैं आइडल टाइम निकालूंगा हर एक मशीन का, मतलब इसका और इसका। तो लिखूंगा आइडल टाइम, सॉरी, टाइम फॉर टर्निंग, टर्निंग के लिए आइडल टाइम कैसे निकालना है, एकदम इजी फॉर्मूला है। टोटल जो टाइम आया ना 43 में से, उसमें से टर्निंग का टोटल टाइम, मतलब इसका, ये एडिशन करके माइनस करो, ओके। ये एडिशन कितना हो जाएगा, 15, ये सॉरी, ये 15 ना, हाँ, 20, 22, 22 में ये 31, 31 में ये 11 ऐड हो जाएंगे, तो 42, ओके। वैसे भी यहाँ पे पता चल जाता है ये 42, यही टोटल होता है, ओके। बट इसके बारे में वैसे मत करना, ये 42, तो 42। सो 43 में से 42 गया, तो 1 मिनट आइडल टाइम, मतलब इस टर्निंग के लिए ऐसा एक मिनट था जब वो मशीन काम नहीं कर रही थी, वो कब था, देखो ये 43 पे कंप्लीट हो जाएगा, ओके। ये 42 पे कंप्लीट हो रहा है, मतलब ये ऐसे फिर से काम स्टार्ट करने के लिए 1 मिनट का गैप पड़ेगा इसको, इसके वजह से 1 मिनट। इसको आप इतना डिटेल मत समझो, प्रोसेस से जाओ, आराम से इजीली सब आंसर आ जाएंगे, ओके। नेक्स्ट, आइडल टाइम फॉर, आइडल टाइम फॉर कौन सा है, थ्रेडिंग। चलो थ्रेडिंग, थ्रेडिंग के लिए भी सेम फॉर्मूला, टोटल टाइम कितना आया था, 43, उसमें से थ्रेडिंग का टोटल टाइम माइनस कर दो, इसका टोटल करो। हाँ, अब यहाँ पे 43 नहीं लिखना है, जैसे इसको 42 लिखा था, इसका टोटल करो अच्छे से। ये 18 हो जाएगा, 18 में 9, 27, 27, ये 33, 33 में 3 ऐड कर दो, 36, और ये 37, करेक्ट किया था, सॉरी, 37, ओके। तो 43 में से 37 गया, तो कितना बचेगा, 6 मिनट, बराबर, हाँ, 6 मिनट। समझाया पूरा प्रोसेस इजी है, आराम से कर लोगे। सिर्फ एक क्वेश्चन पहला था, तो आपको कुछ डाउट रह गए होंगे, और एक क्वेश्चन करते हैं तो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, ओके। स्टूडेंट, अभी क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपको होमवर्क करना है। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आता है, तो क्वेश्चन 2 3 आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो देखो, पहले आपको ये मशीन एक्स वाई दिया है, ये पूरा डेटा प्रोवाइड किया, और जॉब्स देखो 5 है, ABCDE। पहले इसका सिक्वेंस डिसाइड करते हैं, ठीक है। सिक्वेंस कैसे डिसाइड करते हैं, हम ऑप्टिमल सिक्वेंस ऐसे वर्ड लिखते हैं, और यहाँ पे 5 बॉक्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसमें ये सबसे छोटा टाइम डिसाइड करेंगे, इसमें सबसे छोटा टाइम क्या है, इसमें सबसे छोटा टाइम मुझे 2 मिल गया, कौन से मशीन में से मिल गया, फर्स्ट मशीन, मशीन एक्स में से। तो मशीन एक्स में से मिलेगा तो इस तरफ से, मशीन वाई में से मिलेगा तो इस तरफ से लिखेंगे, ठीक है।
कौन सा टाइम है? टू। कौन सा जॉब है? बी। तो यहाँ पे बी लिख दो। क्लियर। चलो ये खत्म हुआ, ये कॉलम मेरे लिए कैंसल। अब सबसे छोटा, इसमें सबसे छोटा दिख रहा है मुझे फोर, ओके। ये वाई में से आ रहा है और जॉब कौन सा है? ए। ओके ये कॉलम भी खत्म हुआ, ये समझा, ठीक है। अब इतना पार्ट बचा है, इसमें छोटा टाइम मुझे सिक्स लग रहा है, ओके। कौन से जॉब में? डी। और कौन से मशीन में? एक्स में। तो उस तरफ से लिखेंगे तो ये बन जाएगा डी। क्लियर। चलो ये भी कैंसिल। अब इन ये दो कॉलम बचे ना, इसमें सबसे छोटा मुझे एट लग रहा है, मशीन वाई में, मतलब इस तरफ से लिखोगे। और कौन सा जॉब आ रहा है? ई। ओके अब एक अकेला बचा सी, तो सी को यहाँ पे लिख दो। क्लियर। उसके बाद हम ये टेबल निकालेंगे, जॉब मशीन एक्स मशीन वाई, जॉब मशीन एक्स मशीन वाई, और मशीन एक्स में इन आउट, इसमें भी इन आउट, ऐसे दो सेक्शन बनाएंगे। क्लियर। और जो हमने सीक्वेंस निकाला है कि काम ऐसा होना चाहिए, इस वे से होना चाहिए, ये सीक्वेंस हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, ठीक है। तो ये फटाफट कॉपी कर देते हैं, बी के बाद डी, उसके बाद सी, उसके बाद ई, उसके बाद ए। चलो अब इन आउट टाइम निकालेंगे फटाफट। तो बी में पहले कौन सी मशीन? एक्स। तो बी में मशीन एक्स, सिर्फ मशीन एक्स के बारे में सोचना, ओके। मशीन एक्स में बी कितना है? टू। तो इन करते समय टाइम कितना होगा? जीरो। और ये जीरो प्लस टू कितना हो जाएगा? ये टू। मैंने तो बताया इसको कॉपी करेंगे, टू को कॉपी किया, और यहाँ पे लिखोगे टू प्लस डी आ रहा है ना, तो डी में कितना आया? सिक्स। तो सिक्स लिखते हैं, टू प्लस सिक्स कितना आएगा? एट। एट को कॉपी किया मैंने, तो एट कॉपी हुआ। एट प्लस सी, सी कौन सा है? 18। सी में 18 आ रहा है, सो 8 प्लस 18 कितना आएगा? 26। तो 26 को मैंने कॉपी कर दिया, और ये 26 प्लस ई में कितना आया? 20। तो 20 कितना आता है? ये 46 ना, हाँ 46। 46 को मैंने कॉपी कर दिया, और ये 46 प्लस ए, ए कहाँ पे है? 10। तो ये आ जाएगा 10। कितना आया ये? 56। तो मशीन एक्स के लिए खत्म। अब मशीन वाई, मशीन वाई इन करते समय कितना टाइम लेगी? ये टू। इसका काम खत्म होगा तब ये स्टार्ट करेगी। तो ये टू प्लस किस में जा रहा है? बी में। बी में कितना आया? 12। मशीन वाई आ, मशीन वाई, तो ये 12 कितना आएगा? ये 14। 14 को मैं, हाँ इन दोनों में सबसे बड़ा, इन दोनों में सबसे बड़ा कौन आ रहा है? 14। ओके तो 14 को मैं कॉपी करूँगा, और डी, डी कौन सा है? 16। कितना आ रहा है? 16। तो 14 प्लस 16 मुझे लगता है 30 आएगा। 30 और 26 में 30 बड़ा आता है, तो 30 को मैंने कॉपी कर दिया, और ये सी में जाओगे कितना मिलेगा? 14। सो 14 को कॉपी कर दिया, तो ये 44। इन दोनों में 46 बड़ा, देखो इन दोनों में 46 बड़ा है, तो 46 को मैंने कॉपी कर दिया। तो 46 प्लस ई 8, तो 46 प्लस 8 कितना आएगा? 54। इन दोनों में 56 बड़ा है, तो 56 प्लस ए कितना आया? 4। सो इट इज 4। टोटल कितना मिल गया? 60। अब जैसे ये 60 मिलता है, हम इसको बॉक्स करेंगे, क्योंकि ये 60 बताता है कि मुझे पूरी प्रोसेस करने में 60 मिनट नहीं आस लगेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन अस में, मैं बताना भूल गया, ये जो टाइम्स है ये अस में, ठीक है। तो ये 60 आस लगेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टोटल elapsed time is equal to 60 hours, ठीक है। अब आइडल टाइम निकालेंगे, आइडल टाइम किसका? आइडल टाइम्स मशीन एक्स का। सो फॉर मशीन एक्स कैसे लिखेंगे? टोटल टाइम तो 60 है, और मशीन एक्स का टोटल, इसका टोटल करो, और मैंने पहले ही बताया है कि इसका टोटल ये आता है 56, करके देखना, ये टोटल करके देखना 56 आता है। तो 56 कितना बचेगा? 4 आवर्स, ठीक है। तो मशीन एक्स के लिए, पहले वाले मशीन के लिए, इन दोनों का गैप जो होता है वही आइडल टाइम होता है, ठीक है। पर सेकंड के लिए वैसा नहीं होता है, सेकंड के लिए काउंट करना पड़ेगा। आइडल टाइम फॉर मशीन वाई, मशीन वाई, मशीन वाई के लिए आपको ये टोटल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे? टोटल टाइम तो मेरा 60 है, उसमें से इसकी टोटल माइनस करते हैं। तो ये पहला 16 बन गया, 4 प्लस 12 16, इसमें 14 तो 30 हो गया, 30 में ये 10 ऐड हो जाएंगे, 46 में 8 ऐड हो जाने के बाद ये 54, 60 में से 54 गया, तो मुझे लगता है 6 आएगा, ठीक है। बस इतना ही करना है, ओके।
तो इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 4 मैंने किया, आपको कौन सा सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 5, ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क करने हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाला हूँ, उसमें क्या अलग है कि 3 मशीन आते हैं, ठीक है, वो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।